नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बसई विरार नाला सुपारा में लगातार हो रही चार दिनों की बारिश से यहां की सड़कों पर गड्ढों का साम्राज्य निर्मित हो गया है, जिसके चलते रास्तों की प्रचंड दुर्दशा हो चुकी है। बसई विरार महानगर पालिका बारिश के पहले गड्ढों को समय से भरने में असमर्थ साबित हुई। जुलाई के पहले हफ्ते में ही हुई चार दिन की बारिश ने महानगर पालिका की कार्य प्रणाली की पोल खोल कर रख दी और सड़कों पर 4 से 5 फुट लंबे लंबे गड्ढे निर्मित हो गए हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है और वाहतूक पुलिस को भी ट्रैफिक क्लियर करने में काफी ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों की वजह से होने वाले भारी ट्रैफिक जाम में कई बार एम्बुलेंस घंटों तक फंसी रह जाती है, जिसके चलते मरीज समय पर इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पाता। साथ ही साथ बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाज नहीं मिल पाता और वह बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अब बात करें अगर सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए मनपा द्वारा पास किए गए बजट की, तो इस साल नाला सुपारा वसई विरार की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए वसई विरार महानगर पालिका ने 40 करोड़ का बजट पास किया था। यह जानकारी हमें खुद मनपा के अधिकारी राजेंद्र लाड ने दी है। सड़कों की ये हालत देखकर अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि ये 40 करोड़ आखिर कहाँ गए। महानगर पालिका ने 40 करोड़ के बदले जनता को 40 लाख गड्ढे जरूर दिए हैं। कुल मिलाकर अर्थ स्पष्ट है कि समय पर बैठक कर बजट पास करने को छोड़कर बाकी सभी चीजों में महानगर पालिका के काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने जैसा ही है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।